सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और गाइस, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ यहाँ पे एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवर इवोल्व का, आर्क सुप्रीम का। तो गाइस, आर्क सुप्रीम के पिछले एपिसोड में भाई हमने जो है ना गाइस, यहाँ पे एक सीक्रेट पोर्टल ओपन करने का कोशिश करा था डेजर्ट टाइटन के किसी बायोम में, लेकिन गाइस वो तो हमसे ओपन ना हो पाया, इसलिए हमने पिछले एपिसोड में एक एलोसोरस टेम करा था। और आज किस एपिसोड में हम एकदम ओपी और खतरनाक से एक चीज टेम करने वाले। अभी वो चीज कौन सी है गाइस, वो आपको अभी थोड़े टाइम में पता चल ही जाएगा। लेकिन उससे पहले गाइस, जो भी नए बंदे यार चैनल पे जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा गाइस, फटाफट गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस, हमारा जो गोल है जो कि है गाइस यहां पे 70,000 सब्सक्राइबर का, वो जल्दी से कंप्लीट कर देना गाइस। और नीचे एक लाइक का बटन दिख रहा होगा छोटू सा गाइस, उसको भी दबा देना। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज किस एपिसोड में जो ना गाइस यहां पे टीम करने वाला था गाइस मैंटिस को, लेकिन गाइस जब मैं भाई ये बायम जो है ना गाइस, मैं ऐसे घूमते रहता हूँ भाई, तो गाइस जब मैं यहाँ पे इस बायम में घूम रहा था ना, तभी मेरे को एक खतरनाक एंड ओपी से एक चीज मिली है। और उसको जो है ना गाइस आज के इस एपिसोड में तुम्हारा भाई टेम करने वाला है। अबे अब सोचो कि ऐसी कौन सी खतरनाक सी चीज मेरे को मिल गई। तो गाइस, वो सामने की तरफ देख रहे हो गाइस, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। इस नंबर को टच कैसे करा भेज कर, टच कैसे करा तुझे नैने की टेंग भाई है। तो ये देखो, यहाँ पे गाइस हमको दिखा था एकदम ओपी वाला, ये डायरवुल्फ नहीं गाइस, डायरवुल्फ के भाड़ में, डायरवुल्फ के पीछे देखो गाइस, असली जो भाई खतरनाक सा डायनो है ना गाइस, वो इन डायरवुल्फ के पीछे छुपा हुआ है भाई, ठीक है। इन सबको मैं पेटी बना दूंगा, रुक जाओ, आपको दिखा देता भाई, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है, मैं इन सबकी पेटी बनाऊंगा। एंड गाइस ये देखो गाइस, ये है आर थाइलो कोलियो गाइस, मेल फीमेल। और गाइस आज की इस एपिसोड में मैं इन्हीं को टेम करने वाला हूँ, क्योंकि भाई ये आर थाइलो कोलियो भैंस का मजाक है क्या? मेरी जिंदगी में कभी भी ना आर थाइलो कोलियो देखे ना आर थाइलो कोलियो टेम करे। और जब मैंने इनको देखा ना, तब इनका कलर देखे जो ना गाइस, मैं थोड़ा सा चौंक गया। मैं बोला भैंस का कितने ज्यादा खतरनाक कैसे दिख सकते हैं थाइलो कोलियो। और इनको जो ना भाई अभी अपन टेम करने वाले हैं भाई, ठीक है भाई। कलर देखो भाई, कलर कॉम्बिनेशन देखो, कलर कॉम्बिनेशन इसका कलर तो देखो भाई, 400 लेवल का जो है ना गाइस, इसका कलर कॉम्बिनेशन देखो भाई, भेज क्या क्या ओपी लग रहा है भाई। जो पैटर्न बना हुआ है ना गाइस इन थाइलो कोलियो के ऊपर, वो मेरे को काफी ज्यादा खतरनाक लगा। एक मेल और एक फीमेल है, तो इनका बेबी जो है ना गाइस, वो भी अपन बहुत ज्यादा जल्दी नहीं गाइस, एक काम करेंगे अगले एपिसोड में तो मैंटिस टेम कर लेंगे ना, उसके अगले वाले एपिसोड में निकाल लेंगे गाइस इनका बेबी। अभी फिलहाल के लिए मेरे को इनके अंदर जो है ना प्राइम मीट डालना पड़ेगा, और भेज क्या मेरे पास प्राइम मीट ही नहीं है भाई। कौन सा किबल खाएगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी किबल ना भाई, ठीक है रुक जाओ, मैं जो ना गाइस इनके अंदर किबल डाल देता भाई, ठीक है। स्टार्विंग पोशन पहले बना ले, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी किबल बना ले भाई, ठीक है, जो कि ये रहा भाई, ठीक है। अरे नहीं, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए भाई, ठीक है, ले बेटा भाई, ठीक है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी किबल से जो ना गाइस, हमारे थाइलो कोलियो जो ना गाइस बड़े आराम से यहाँ पे डेम हो जाएंगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, खतरनाक यार। आर थाइलो कोलियो गाइस फर्स्ट टाइम गाइस, ठीक है, फर्स्ट टाइम हम आर थाइलो कोलियो गाइस यहाँ पे डेम कर रहे हैं। इसका कलर जो है ना गाइस, अगर आप देखोगे ना, उतना ज्यादा ओपी लग नहीं रहा, क्योंकि नॉर्मल से थाइलो कोलियो की तरह ये फीमेल है गाइस, ठीक है। लेकिन जो मेल है ना गाइस, वो भाई नेक्स्ट लेवल लग रहा है यार, काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है मेरे को। ये फीमेल जो है ना गाइस, ये कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया यार। इसका कलर कॉम्बिनेशन और इसके ऊपर जो पैटर्न बना हुआ है ना, उसके कारण रुक जाओ, इसको पहले थाइलो का सैडल पहना लेता। एंड गाइस, अरे सैडल निकाल लेता भाई, आपको वो कलर पैटर्न जो है ना गाइस, वो कलर पैटर्न ही दिखाई देगा। ये देखो गाइस, ये देखो कलर पैटर्न देखो भाई, इसके पैर अलग कलर के, इसके पूरे शरीर के ऊपर ऐसे भाई डॉट डॉट बने हुए हैं गाइस, और चीते की तरह लग रहा है भाई, एकदम खतरनाक सा आर थाइलो कोलियो ये। और इसके पैर भी जो है ना गाइस, वो भी अलग अलग कलर के, तो इसके कारण जो है ना गाइस, ये काफी ज्यादा कूल लग लेला मेरे भाई। तो मेरे को जो ना गाइस, ये आर थाइलो कोलियो ना काफी ज्यादा पसंद है। इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है ना गाइस, वो काफी खतरनाक है यार। हाँ, मेरे को पता है इसका डैमेज उतना ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता है मैं जो ना गाइस डैमेज के हिसाब से कभी भी डायनो टेम नहीं करता। अगर लुक में अगर वो डायनो एकदम ओपी है ना, तो मैं उसको पहली फुर्सत में टेम कर लेता हूँ, क्योंकि भाई लुक मायने रखता है गाइस डायनो का, और कलर मायने रखता है। और ये वाइट प्लस ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है ना गाइस इन भाई थाइलो कोलियोस का, आर थाइलो कोलियो का, वो काफी ज्यादा खतरनाक है यार। मेरे को तो काफी ज्यादा पसंद आ गया गाइस। आप जो ना इसको 1 से लेकर 10 तक, 1 मतलब घटिया 10 मतलब एकदम ओपी भाई, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक जो ना गाइस, इसको कितने पॉइंट देना चाहोगे इसके कलर और इसके पैटर्न के हिसाब से भाई, ठीक है, नीचे कमेंट करके बता देना मेरे को। एंड गाइस, ये थाइलो कोलियो जो है मेरे को कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया यार, मतलब भाई दिल आ गया यार इस थाइलो कोलियो के ऊपर यार, एकदम खतरनाक है भाई। इसकी लेवल अप कर लेता मैं एकदम ओपी वाली भाई, मेरे को पता है गाइस इसका डैमेज जो है ना गाइस उतना ज्यादा जाने नहीं वाला भाई, ठीक है।
इसका डैमेज होना कहीं उतना खतरनाक और ज्यादा नहीं जाएगा भाई, ठीक है। बहुत ज्यादा डटी डैमेज जाएगा मेरे को बताया भाई, ठीक है। रुक जाओ भाई, थोड़े से पेड़ पौधे तोड़ के ना, अरे यार मैमथ भी टेम कर रहा था, मैमथ बाद में कर लेंगे यार। आर थाइलोकुल पहली बार टेम करा है भाई, थाइलोकुल ब्लीडिंग अटैक भी देते है क्या? थाइलोस ब्लीडिंग अटैक देते है क्या गाइस? ये मेरे को पता नहीं था भाई कि थाइलोस जो है ना ब्लीडिंग अटैक देते है यहाँ पे, ठीक है भाई शायद देते होंगे भाई, मेरे को पता नहीं गाइस, क्योंकि थाइलो नहीं यार, थाइलो ब्लीडिंग अटैक नहीं देते गाइज, क्योंकि प्राइमल फेयर में मैंने काफी थाइलोस को भाई टेम करा हुआ है। मैं भी नॉर्मल वाले थाइलो को लिए देते होंगे, क्योंकि भाई नॉर्मल वाला आर्क खेल के भाई जमाना बीत गया भाई, एक डेढ़ साल बीत गया, तो मेरे को पता नहीं कि नॉर्मल वाले थाइलो को लिए इसका अटैक क्या होता है यार। ए उल, ए चल, ए चल, ए चल रे, चल रे, कल आना कल, कल भाई आर थाइलो को लिए क्या है भाई, आंटू पांडू समझ रखे हो हमको भाई, आर थाइलो को लिए हमारे पास है यार, चेप डालेगा एक एक को बेच के आग में, ठीक है चलो आ जाओ, लेट्स गो भाई। भाई हमसे पंगा ले रहे हैं भाई, आर थाइलो को लिए दिखने में भी एकदम ओपी है, और इसका डैमेज भी जो ना भाई वो भी भाई ठीक ठाक ही है। इसको जो ना कि इसमें इम्प्रिंटिंग पोचन खिला दूंगा, उसके बाद जो ना कि इसका डैमेज में जो ना मेरे हिसाब से थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। एक काम कर लेता हूं, अगर मैं किसी एक ब्रोंटो को मार लेता हूं ना प्राइम बीम वाले को, तो मेरे को जो ना कि एकदम ओपी वाली लेवल मिल जाएगी। 4.5 के टॉर्पर तो टॉर्पर नहीं सॉरी डैमेज तो दे रहा है फिर थाइलो, रुक जाओ। मैं जो है ना गाइस किसी एकदम ओपी और खतरनाक से ब्रोंटो को ढूंढ रहा हूँ, जिसको मारने से मेरे को हाई लेवल मिल जाएगा, हाई नहीं गाइस मेरी मैक्स लेवल मिल जाएगी गाइस, ठीक है भाई। इसका भाग जा, मर जा बेटा, अबे मरना तेरी रात का बड़ा पाओ, मरो मर जा भाई। इसका अबे मर ही नहीं रहा, कौन सा वाला ब्रोंटो था, नॉर्मल ब्रोंटो था इसका, अरे 750 लेवल का नॉर्मल ब्रोंटो था, 725 लेवल, कुछ ज्यादा ही हाई लेवल का नहीं हो गया गाइस ये? अरे मेरे हिसाब से मैं मैक्स लेवल हो चुका हूँ अभी, हाँ गाइज मैक्स लेवल हो चुका हूँ, तो अभी इसके अंदर जो है ना गाइज मैं FMK वाला जो है ना गाइज, हाँ ये वाला पेस्ट डाल देता हूँ, इम्प्रिंटिंग पेस्ट, जिससे जो है ना गाइज इसका डैमेज थोड़ा सा और बढ़ जाएगा भाई, ठीक है। ले पट से भाई हवा में उड़ते हुए पीडी को मार डाला भाई 7.2, अब भाई इसके अंदर को कुछ करा नहीं फिर भी चिल्ला रहा है भाई, है मर गया ना अभी यार 21, खतरनाक यार, मजा आ गया गाइज इसको जो है ना गाइज टेम करके फुल टू मजे ही मजे आ गए गाइज मेरे को जो है ना गाइज, ये आर वाला थाइलो कोलू जो है ना गाइज काफी ज्यादा पसंद आया गाइज। इसका लुक जो है ना मच्छर क्या रे तुझे नाना चिपतांग ये चितंगड़ी ले बेटा, खत्म, टाटा बाबा गुड बाय गाइज, मच्छर को भी मार डाला। तो गाइज इसका लुक जो है ना गाइज, ये आपको कैसे लगाना खास करके नीचे कमेंट करके बता देना यार, क्या ओपी लग रहा है यार ये आर थाइलो को लियो। इसका कलर देख के थोड़ा सा मैं बावड़ा हो गया भाई, हेलो अर्जी क्या रे भाई, भाई एक तो लेट क्या आ रहा था भाई पहाड़ से नीचे भाई, चेप डाला इसको भी। ए रुक जाओ गाइज, गैस बग को मारता ना, अरे ये रहा ब्रोंटो गाइज, ठीक है क्या मैं इस ब्रोंटो को मार पाऊंगा अबे भाई, ठीक है पता चल गया कि हमारे हैसियत से बाहर है भाई ये, ठीक है रुक जाओ निकल लेता भाई। भाई 7 मिलियन का टॉर्पर गाइज, मजाक कर रहे हो भाई, इस जो है ना गाइज ब्रोंटो को भाई 3 मिलियन है हेल्थ, अबे अल्फा गैस बग है मजाक है भाई, अबे आज के जन्म में ना मरने वाली लग रहा है गाइज मेरे को, ये मरेगी लेकिन ये ना मरेगी गाइज, अबे ये भी मरेगी भाई, ये भी मरेगी, अरे इसने जो है ना गाइज मेरे को दम घुटने वाला अटैक कर दिया था मेरे ऊपर, और अभी भग रही है भाई, नीचे उतर भाई तेरे तो बैंड बजा दूंगा भाई हवा के गुब्बारे, रुक जा बेटा रुक जा बेटा, तू उड़ जाए उससे पहले तेरा भाई हवा भाई निकाल के रख दूंगा भाई, रुक जा इस टायर को जो ना पंचर कर देता भाई मैं। अबे यार ये देख रहा हूँ मेरे ऊपर जो ना गाइज वो गैस छूट रही है भाई, क्या किए भाई, इसको ब्लीडिंग अटैक एकदम तगड़ा वाला पड़ रहा है, लेकिन ये बार बार नीचे की उतर रही है, पता नहीं भाई इसके अंदर हवा है लेकिन फिर भी ये नीचे उतर रही है, खत्म। ले बेटा टाटा बाय बाय गुड बाय, 1000 का डैमेज दे रहा था भाई मैं, बस 1000 का डैमेज, उड़ गई क्या, मर गई, ओ मर गई मार डाला भाई, फाइनली मिशन कंप्लीट, मिशन सक्सेसफुल गाइस, अपन ने जो है ना गाइस उस गैस बग को जो है ना गाइस चेप डाला है भाई यहाँ पे, और अपना मिशन कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस आज का एपिसोड जो है ना गाइस यहीं पे हम खत्म करते हैं आज का एपिसोड, और ये हमारा आर वाला थाइलो को लिए आपको कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिलते हैं सबसे अगले एपिसोड में गाइस आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के, गाइस आर्क सुप्रीम के, तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइस इस रुक जाओ, हाँ मेल फीमेल है ना गाइस ये दोनों के दोनों ना भाई मेल फीमेल है, तो इनके लिए मेल फीमेल वाले एकदम ओपी नाम गाइस, ऐसे जोड़ी वाले नाम चाहिए अपन को भाई, ठीक है लैला मजनू ऐसा वैसा कुछ एकदम ओपी वाले नाम जो है ना गाइस नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से डाल देना। तो मिलते हैं गाइस सबसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के गाइस यहां पे आर्क सुप्रीम के, तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइस। And how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right.
We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake,